हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि के पर्व का विशेष महत्व है। देश भर में इस साल महाशिवरात्रि 8 मार्च को मनाई जाएगी। इस दिन भोले बाबा के भक्त भगवान शिव को बेर का प्रसाद चढ़ाते हैं। बेर के फल को चीनी सेब के नाम से भी जाना जाता है। यह मौसमी फल अनेक तरीके की औषधीय गुणों से भरपूर होता है। भारत में पाए जाने वाले बेर का फल का वानस्पतिक नाम जिजिफस मोरिसियाना है। बेर में विटामिन सी, कैल्शियम, लोहा, फास्फोरस, पोटेशियम और जस्ता जैसे कई तरीके के पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जो इम्यूनिटी बूस्ट करके सेहत को अनेक तरीके के लाभ पहुंचाते हैं। आइए जानते हैं बेर का नियमित सेवन करने से सेहत को क्या क्या गजब के फायदे मिलते हैं। गौचर में तैनात डॉक्टर रजत बताते हैं कि जो लोग अनिद्रा की समस्या से परेशान रहते हैं, बेर का सेवन उन्हें फायदा पहुंचा सकता है। बेर के फल और बीज दोनों में सोपोनिन और कई तरीके के प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व मौजूद होते हैं। इसके अलावा आध्यात्मिक और धार्मिक रूप से भी बेर काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। चलिए बातचीत करते हैं। गौचर से, महाशिवरात्रि अपना में महान शब्द ही महा हो जाता है। देवादिदेव महादेव है। शिवरात्रि के पुण्य पर्व पर उनके विवाह स्थल के लिए कार्तिकेय स्वामी या ये गुरु महत्व दिया गया था और इनके लिए फलों की ज़्यादातर महत्व दी गई है। फलाहारी है और बाबा जी फलाहारी होने के कारण इनको बेल फल, जो ऋतु फल होते हैं उसमें बेर और अनार, ये आपका जो हमारे ऋतु फलों होते हैं सीताफल इत्यादि, इनका भोग लगाया जाता है और रामदाना या जिसको चौलाई भी कहते हैं उनके जो लया बनाए जाते हैं बुला करके इनकी भी बड़ी महत्वता शिव जी को चढ़ाए जाते हैं। और श्वेत पुष्प, सफ़ेद तिल, सफ़ेद धतूरा या काला धतूरा, धतूरा के पुष्प भी शिव जी को बड़े प्रिय लगते हैं। तो फल का है, जहाँ पर ज़्यादा जिसकी भय आता है तो जो फल हो, जहाँ बेर अधिक हो, अभी तो हिमालय क्षेत्र में तो बेर नहीं होते हैं, बद्रिका क्षेत्र में एक बेर होता था तो इसलिए शिव जी को अर्पण करते थे, तो बद्री बेर तो प्राय लुप्त हो चुका है, तो इसलिए शिव जी को यहाँ पे हम लोग ऋतु फलों में जो टेड़ो पिंडालू इत्यादि से जो है इनका भोग लगाते हैं। चमोली के पंडित मदन मैखुरी बताते हैं कि महाशिवरात्रि के पर्व पर बेर का विशेष महत्व है। इस दिन भक्त सभी भोलेनाथ को बेर अर्पित करते हैं जिससे भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। चमोली से लोकल एजेंट के लिए सोनिया मिश्रा की रिपोर्ट।